तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम लोग मिस्टर एशिया से मिले। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ का अंडमान का सबसे बेस्ट एमएमए बॉक्सिंग विक्रम सर के पास। तो चलो चलते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, विक्रम सर बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत बढ़िया भी है और बहुत मज़ेदार है, बात भी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाय सर, जैसे कि आपने देखा हमारे विक्रम सर को कितना बढ़िया बॉक्सिंग कर रहे थे, तो अभी हम फिलहाल तो अभी उनसे मिल रहे हैं, तो अभी पूछेंगे, बहुत कुछ सवाल है, बहुत कुछ हम लोगों को पूछना है, बहुत कुछ है जो कि हमारे अंडमान की पब्लिक को नहीं पता है, जो अभी पता चलने वाली है। तो मेरे वीडियो में बने रहना सर। और आप यहाँ नहीं, मिजोरम में कौन से सबसे बेस्ट जिम था जिसका नाम था मॉन्स्टर जिम? मॉन्स्टर जिम मिजोरम में, आप अभी भी गूगल में टाइप कर सकते हो, मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पे हमारे सर, मैं चीफ कोच था, चीफ कोच रह चुके हैं हमारे सर। तो पब्लिक प्लीज आप आके आराम से सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को विक्रम सर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और बजट भी बहुत प्यारा है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर आप अपना इंट्रो भी बता दीजिए, आपने क्या क्या अचीव किया है, क्या किया है सबको। सबसे पहले मैंने 1994 में नेशनल्स में गोल्ड मेडल लिया था, कोलकाता में हुआ था। उसके बाद मैं सब जूनियर में खेलता था, तब मेरा उम्र बहुत छोटा था। उसके बाद मैं करीबन कितने साल के होंगे आप? 14 साल, 14 ईयर्स। 12 साल से शुरू किया था बॉक्सिंग। उसके बाद में मैंने ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे स्टेट लेवल गेम्स वगैरह जीते, फिर नेशनल लेवल्स जीते, फिर उसके बाद में मैं इंटरनेशनल गेम पे गया, इंटरनेशनल श्रीलंका में था फर्स्ट। तो दैट वॉज अ वेरी बिग फॉर्चून फॉर मी, जैसे मैंने, मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कम उम्र में, जब 16 साल का था, तो मैंने मुझे इंडिया की तरफ से खेलने के लिए मिला था और वहाँ मैंने गोल्ड ही ले गया था। गोल्ड जी, और उस टाइम में बहुत छोटा उम्र था। 14 ईयर्स में आपने गोल्ड लेके आ गए, अभी 16 ईयर में 14 में था नेशनल गोल्ड, आपने 14 में ला दिया। उसके बाद फिर यहाँ से इंटरनेशनल गया, वो भी 16 ईयर्स के टाइम में जाके, और श्रीलंका जाके, अपने देश से बाहर जाके गोल्ड लाना, भाई बहुत बहुत बोले तो बहुत मेहनत चाहिए भाई, मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग भी जानते हो भाई मेहनत कितना करना होता है। 16 साल की उम्र में मैं आर्मी में भर्ती हो गया जी, मेरे क्लास 10th के बाद में मैं आर्मी में चला गया। उसके बाद आगे पढ़े की वो अलग बात है, लेकिन मुझे सर्विस बॉक्सिंग के थ्रू सर्विस इतना आसानी से मिला कि मुझे ना ट्रेनिंग करना पड़ा ना कुछ, है ना। मैं, मेरे को सिर्फ, आपने अपना आपको प्रैक्टिस किया और आप, उसके बाद जी, उसके बाद क्या है कि आर्मी से खेलना शुरू किया, फिर आर्मी से जूनियर नेशनल गए, जूनियर में से मैं फिर जूनियर इंटरनेशनल लिए चाइना गया। चाइना जी, इंडिया टीम से था जी। तो 1998 का बात है जी, तो मैं अंडर 19 में खेलता था तब जी। तो अंडर 19 में मैं, मुझे मौका मिला, मेरे मेहनत ने मुझे इतना रन दे दिया कि मैं जूनियर इंडिया खेलने लग गया जी। उसके बाद फिर सीनियर नेशनल खेला जी, है ना। सीनियर नेशनल के दौरान मुझे इंजरी हो गया था जी, उसके बाद मेरे ये हाथ नहीं चलते थे, ऑपरेशन वगैरह हो गया मेरा। तो उसके बाद भी अभी आप वापस से कर रहे हो बॉक्सिंग जी जी। सो पब्लिक और क्या है भाई, लाइक ठोको यार हमारे विक्रम भाई के, देख लो ऑपरेशन वगैरह करने के बाद भी खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 16 साल में नहीं खेला, 16 साल जी, 16 साल नहीं खेला, फिर वापस से कमबैक जी। आफ्टर 16 इयर्स जब मेरे हाथ चलने लगे, यहाँ से नहीं उठता था ऊपर, हाँ अब तो फाइट करता हूँ, अब तो फाइट करता हूँ, लेकिन उस टाइम 16 साल मेरे हाथ नहीं चले थे। आज मुझे लोग पूछते हैं ना कि शादी क्यों लेट हुआ, बोल के कोई भी उस कंडीशन के लड़का को जितना भी खूबसूरत हो शादी नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं चलते थे, पिछला रेपुटेशन बहुत था। फिर मैं हार नहीं माना, मैं अपने आप को ट्रेन करता गया, अपने हाथों को पढ़ता गया। उसके बाद में मैंने 2012 में से, जब मेरा हाथ थोड़ा ठीक हो गया, फिर मैंने कोचिंग शुरू किया।
अब बहुत साल का एक्सपीरियंस था, तो करते 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 फिर मैंने 2016 में से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतर गया और उस टाइम से आज तक आ रहा नहीं। ओह भाई बहुत हार्ड। सो पब्लिक, जैसे कि आप देख सकते हो, आप लोग मिले विक्रम सर से, आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताना है अपने को, और लाइक करना मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे आगे का वीडियो का। और भी बहुत सारा ब्लॉग्स है, बहुत प्यारा ब्लॉग्स है, सो स्टे ट्यून्ड। Ba-da-b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 a-